आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक ईएनटी सर्जन के चैनल पर हिंदी के बारे में वीडियो क्यों। ये छोटा सा वीडियो मेरा प्रयास है आपको हिंदी की वैज्ञानिकता के बारे में दिलचस्प जानकारी देने का। हिंदी वर्णमाला स्पीच थेरेपी यानी वाणी दोष जैसे तुतलाना इत्यादि के इलाज में बहुत सहायता करती है। आइए देखें कैसे। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण उनके उच्चारण के स्थान के आधार पर किया गया है। हर पंक्ति या वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण एक ही तरह से होता है। यही नहीं, इन वर्गों का वर्णमाला में क्रम भी ऐसा है कि उच्चारण के लिए बारी बारी पीछे गले से लेकर आगे होठों तक का प्रयोग होता है। आइए आप भी मेरे साथ उच्चारण करके देखिए कि आवाज कहां से आ रही है। क वर्ग मतलब क ख ग घ का उच्चारण गले से होता है। च वर्ग यानी च छ ज झ को बोलने में हमारी जीभ तालु को छूती है। तालु या पैलेट मुंह के अंदर की छत को कहते हैं। ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ बोलने में जीभ हमारे तालु के अगले हिस्से को छूती है जिसे मूर्धा कहते हैं। त वर्ग यानी त थ द ध बोलने में जीभ हमारे दांतों को छूती है। प वर्ग या प फ ब भ म बोलने पर हमारे दोनों होठ एक दूसरे को छूते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर ये वर्गीकरण किया और इन वर्गों को नाम भी दिए। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य एवं ओष्ठ्य। तो जब भी मैं किसी तुतलाते हुए बच्चे को सुनता हूँ तो उसी समय मेरे दिमाग में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बच्चा बोलने में किन अंगों का प्रयोग करने में गलती कर रहा है, और इस तरह मेरे लिए उसका इलाज करना भी सरल हो जाता है। आशा है आप भी मेरी तरह अपनी हिंदी भाषा पर गौरवान्वित होंगे। धन्यवाद।